अध्याय 5 से पाठ कर रहे हैं और हमने विदुर के प्रश्नों को पढ़ना शुरू किया है। विदुर मैत्रेय से प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की लीला सुनने के लिए वो परम उत्साही हैं। यद्यपि उन्होंने महाभारत इत्यादि ग्रंथ पहले सुने हुए हैं, लेकिन विशुद्ध बोलते हैं ना, एकदम कोर बिना किसी मिश्रण के भगवान की कथा सुनने की उनकी इच्छा है। तो इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की कि हे मैत्रेय मुनि, आप मेरी मदद कीजिए और मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। उसी श्रृंखला में हमने 10 श्लोक पढ़ चुके थे, अभी हम श्लोक संख्या 11 से आगे पढ़ेंगे। कस्तृप्नुयतीर्थपादोऽभिधानात् सत्रेषु वासुरभिरिद्यमानात् या कर्णनादिं पुरुषस्य यातो भवाप्रदां द्गेहरतिं छिन्नति। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप है तथा जिनकी आराधना महर्षि तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों को छेदों से ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। हरे कृष्ण। कल एक प्रश्न पूछा गया था, तीर्थ स्थानों में जाना प्रपंच क्यों बताया गया है। तो यहाँ भागवत में भी लिखा है कि कैसे भगवान के चरण कमल वास्तव में सारे तीर्थों के सार है। इसका मतलब क्या है? जो भक्त तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उसके लिए सारे तीर्थ उसी आश्रय में प्रस्तुत हैं। अभी हम जब यात्रा कर रहे थे, एक स्थान पर गए थे एलाचुआ में, फ्लोरिडा में, जहाँ लगभग श्रील प्रभुपाद के 200 शिष्य रहते हैं और बाकी 2-3 हजार भक्त और भी रहते हैं। और वो 200 श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, सभी की उम्र 70-75 के ऊपर है, लेकिन फिर भी वो सुबह 4 बजे तैयार हो करके ड्राइव करके मंदिर, उनके घर से कई दूर है, ड्राइव करके मंदिर आते हैं। और ऐसी अवस्था में भी वहां पर मंगला आरती लीड करना, मृदंग बजाना, तुलसी आरती करना, विग्रहों की अर्चना करना, ड्रेसिंग करना, भोग तैयार करना, सारी सेवाएं वो लोग करते हैं। सबकी उम्र 70-75 से ऊपर है, क्योंकि प्रभुपाद को देह त्याग करे हुए लगभग 45 वर्ष हो गए, तो उसके पहले उनको दीक्षा मिली होगी। तो कितना वृद्ध अवस्था में भी प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, अमेरिका के एक छोटे से स्थान पर। तो उस स्थान को तीर्थ से कम कैसे समझा जा सकता है, जहां इतने शुद्ध भक्ति करी जा रही हो, सारे भक्त लोग एक साथ मिलके विग्रहों का आराधना कर रहे हो, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले रहे हो। तो वो तीर्थों का सार है, सारी तीर्थ यात्रा का सार। और जिन महान महापुरुष को, जिन भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बड़े बड़े महर्षि भक्त अपनी भक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भगवान का श्रवण करने, ऐसे भगवान की कथा को श्रवण करने के अलावा जीवन का क्या और उद्देश्य हो सकता है। इसीलिए वास्तविक सौभाग्य है अगर हमें भगवान की कथा सुनने का मौका मिले। अजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तात्पर्य, कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से वह पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका तुरंत उद्धार कर सकती है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगी शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है। वो समस्त लौकिक कार्यकलापों का एकमात्र प्रेरक यही स्नेह है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन में ऐसे कार्य में लीन रहता है, तब तक मनुष्य को वर्तमान भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं, और इन दो गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते। तमो तथा रजो दोनों ही गुण
मनुष्य को भ्रामक देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, वह मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है, वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अविनाशी है। चेतन जीव अर्थात अविनाशी आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद भी किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है, वो समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता या वैश्विकता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वह निश्चय मूर्ख है। और वास्तविकता सत तथा अवास्तविकता असत की जटिलताओं को नहीं जानता। इनमें से कुछ तमो तथा रजो गुणों से ऊपर होते हैं और सत्व गुण में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सत्वगुण सदैव तमो तथा रजो गुणों के प्रभाव से कलुषित रहता है। लौकिक सत्वगुण मनुष्य को समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है और जो सत्वगुण है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। किंतु कलुषित होने के कारण लौकिक सत्वगुणी लोग एक व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। उनकी शरीर से पृथक आत्म विषयक निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सत्व गुण में रखती है और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भवबंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है क्योंकि यह मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित कर सकती है और उसे भवबंधन से मुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना ही सबसे बड़ा धर्मोपदेश का कार्य है और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। हरे कृष्णा पौरी धर्म। तो यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली है, श्रवण मात्र से सारे पारिवारिक संबंधों को नष्ट कर सकती है। तो कोई बोलेगा कि पारिवारिक संबंधों में क्या दिक्कत है? पारिवारिक संबंधों में दिक्कत नहीं है, पारिवारिक संबंधों में हमारा मोह दिक्कत है। जिम्मेदारी निभाने दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तीन गुणों के प्रभाव से हमारी मोह उत्पन्न होता है, उस मोह के कारण हम भव बंधन में बंधे रहते हैं। तो कृष्ण कथा इतना शक्तिशाली एक औजार है, एक अस्त्र है, जिसके माध्यम से तीन गुणों का पूर्ण रूप से खनन हो जाता है। रजोगुण तमोगुण तो विनष्ट हो ही जाते हैं, मिश्रित सतोगुण, लौकिक सतोगुण यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, यानी कि भौतिक सतोगुण जो भौतिक शरीर के प्रति हमको आसक्त बनाता है, उसके प्रति भी मुक्ति हमको कृष्ण कथा श्रवण करने से मिलती है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि वास्तव में सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है कृष्ण कथा का प्रचार। जब हम कृष्ण कथा का प्रचार करते हैं तो ये सबसे बड़ा उपकार है जीवात्माओं के ऊपर, और जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो ये सबसे बड़ा उपकार है खुद के ऊपर। खुद के ऊपर अगर सबसे बड़ा उपकार करना है तो कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन। मुनीर विवक्षुर भगवत गुणानाम सखा पिते भारतरम अह कृष्ण यस्मिन् नृणानाम ग्राम्या सुखानुवादित मतिर गृहीतानुहरेर कथायाम। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आपके मित्र महर्षि कृष्ण देव पर व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन तथा ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवद गीता की ओर आकृष्ट करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो मैत्रेय मुनि बोल सकते हैं कि तुम तो व्यास देव के प्रिय हो, तुमने व्यास देव से बहुत कुछ सुना है, तो मुझसे क्यों सुनना चाहते हो? तो विदुर उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि वेद व्यास ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, महाभारत इत्यादि, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि हम कृष्ण तक पहुंचे। गीता में भगवान बताते हैं, वेदेश्च सर्वे रहामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों का, शास्त्रों का एकमात्र प्रयोजन है कृष्ण तक हम पहुंचे। तो अभी मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए आकर्षण प्राप्त किया हूँ, ये उनकी कृपा से ही प्राप्त किया हूँ, तो अभी आप कृपा करके मुझे आगे कृष्ण कथा सुनाइए। सुजाता माता जी पढ़िए। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य।
महर्षि कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यासदेव समस्त वैदिक साहित्य के रचयिता हैं, जिसमें से वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम तथा महाभारत नामक उनकी कृतियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.4.25 में कहा गया है, श्रील व्यासदेव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई थी जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हो और जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले से स्वाद चख लिया हो। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो, तभी वह ब्रह्म अर्थात दिव्यता के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासाएं कर सकता है। जो लोग ऐसे लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं, जिनमें समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे रहते हैं, वे स्त्री शूद्र द्विज बंधु अर्थात स्त्रियों, श्रमिकों तथा उच्च जाति ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांत सूत्र के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, यद्यपि वे विकृत रूप में सूत्रों का अध्ययन करने का स्वांग कर सकते हैं। वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन की व्याख्या इसके प्रणेता ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में की है, और श्रीमद् भागवतम के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे दिग्भ्रमित लोग जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, उन्हें महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्रील व्यासदेव ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा है। इस महान प्रणेता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है कि ऐसे अल्पज्ञ लोग जिन्हें लौकिक कथाओं में अधिक रुचि है, बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं, और ऐसे लौकिक सुख के दौरान वे श्रीमद् भागवत गीता का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम या वेदांत सूत्र का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रील व्यासदेव द्वारा लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में अल्पज्ञों के लिए श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से दिव्य साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन न था। विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता श्रील व्यास देव से महाभारत सुना था जब वे घर से दूर रहकर तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। हरे कृष्ण। तो हम सब कलयुग के दबाव में अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता, रात्रि चोर प्रसंगेन कलु गच्छन्ति धीमता। बताया गया है कि सुबह सुबह हमको जुआ जुआ पासा खेलने के बारे में सुनना चाहिए, और दोपहर में हमको स्त्री प्रसंग लेना, स्त्री के बारे में सुनना चाहिए, और शाम को चोर के बारे में सुनना चाहिए। ये क्या भला है? द्यूत मतलब महाभारत, द्यूत कीड़ा से संबंधित महाभारत ग्रंथ सुबह सुबह सुनना चाहिए। मतलब जो लोग आध्यात्मिक विषय में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं, उनकी शुरुआत हो सकती है महाभारत से, क्योंकि महाभारत में पॉलिटिक्स उनको सुनने के लिए मिलेगी, युद्ध मिलेगा, अच्छे अच्छे डायलॉग सुनने के लिए मिलेंगे, तो उनका रुझान धीरे धीरे आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रति बढ़ेगा। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता, दोपहर में स्त्री के बारे में सुनना चाहिए। स्त्री मतलब सीता, सीता की कहानी रामायण। रामायण एकदम लौकिक कथा और आध्यात्मिक कथा के बीच में है, क्योंकि वो आदर्श, मानव जाति के आदर्श भी बताती है और भगवान की कथा के माध्यम से बताती है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। महाभारत में एकदम ही लौकिक कथा सुन के आध्यात्मिक उन्नति, रामायण में थोड़ा और ऊपर बढ़े। उसके बाद रात्रि चोर प्रसंगेना, रात के समय चोर की कथा सुनना चाहिए। चोर मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण संबंधी जो श्रीमद् भागवत है, फिर वो तृतीय चरण है आध्यात्मिक उन्नति का, जहां पर व्यक्ति पूर्ण रूप से लौकिक आसक्तियों को छोड़ करके शुद्ध भक्ति करने के लिए अग्रसर हो। तो जो लोग शास्त्रों में निपुण होना चाहते हैं, वेदांत सूत्र इत्यादि पढ़ते हैं, लेकिन जिनका रुझान शास्त्रों में नहीं है, उनके लिए वेद व्यास ने ये व्यवस्था की है कि वो महाभारत पढ़ के शुरू करें। तो विदुर यहाँ बोल रहे हैं कि महाभारत इत्यादि तो हमने खूब सुनी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है कृष्ण कथा सुनने का। इसीलिए मैं बहुत आतुर हूँ कृष्ण कथा सुनने के लिए, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। देखिए, प्रश्न ही इतना कृष्ण भावनामय है कि प्रश्न सुनकर ही कितना पोषण मिल रहा है हमारे। ये भागवत का श्रेष्ठतम लक्षण है कि भागवत के प्रश्न भी अपने आप में अपनी भक्ति के पूरक हैं। उत्तरों का तो क्या कहना है, प्रश्न सुन के ही भक्ति बढ़ जाती है। सा श्रद्धयानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसा,
हरे पदानां स्मृति निर्वृत्सया समस्त दुःखापयम् अशुधत्ते। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण, जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमश अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों को ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। हरे कृष्ण। कृष्ण कथा का जो निरंतर श्रवण करता है, ऑटोमेटिक अपने आप ही स्वतः ही उसका आकर्षण भौतिक वस्तुओं से अपने आप कम हो जाए। ये कृष्ण कथा सुनने का लक्षण होता है, ये उसका गौण फल होता है। देखिए, हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमारा आकर्षण भौतिक चीजों से जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। उसका एकमात्र कारण है हम श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं कर रहे। अगर हम श्रवण कीर्तन ठीक से करेंगे तो अपने आप मन लगेगा ही नहीं भौतिक चीजों में, अपने आप आध्यात्मिक उन्नति के प्रति हमारा मन लगेगा। जो लोग इस प्रकार भगवान का श्रवण निरंतर करते हैं, धीरे धीरे भगवान के चरण कमलों के प्रति उनका अनुराग बढ़ता है और उनके भौतिक कल्मश कष्ट सब दूर हो जाते हैं। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक है, भगवान परम सत्य है। अतः उनका नाम, रूप, गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवद गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवद गीता पढ़ता है तो यह भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक बखेड़ा करने वाले के लिए यह ऐसा नहीं है। जब कोई भगवद गीता पढ़ता है, बशर्ते है कि वह उसी उस रीति से पढ़े पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता में संस्तुति की है, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवद गीता की मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवद गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, वह श्रद्धान पुंस अर्थात कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में उत्साह उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवद गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। श्रद्धान अथवा श्रद्धावान भक्त भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत जैसी कोई वस्तु नहीं होती और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद अपने एक सन्यासी शिष्य को बोलते हैं प्रवचन देने के लिए। प्रभुपाद वहीं बैठे थे और अपने सामने ही बोलते हैं कि मेरे सामने प्रवचन दो। तो वो सन्यासी प्रवचन दे रहा था और देते देते उन्होंने एक बात बोली कि भगवान श्री कृष्ण उनके नाम में उपस्थित हैं। तो जैसे ही ये बात बोली, प्रभुपाद उनको रोक देते हैं, नहीं, आप गलत बोल रहे। क्या गलत बोला है? भगवान श्री कृष्ण उनके नाम में उपस्थित नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही उनका नाम है। भगवान श्री कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला, इनमें कोई भेद नहीं। तो जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, वास्तव में कृष्ण का संग करते हैं, उसमें कोई हमारा संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी अनुभूति हमारे अंदर क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम श्रद्धा से भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, श्रद्धा से भगवान का नाम नहीं। जब अपराध पूर्ण रूप से भगवान का नाम लेंगे, जब संकोच के साथ, किसी और कलमश के साथ भगवान की कथा सुनेंगे, तर्क वितर्क के साथ कथा सुनेंगे, तो फिर वो भगवान की उपस्थिति हम महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब शुद्ध भक्तों के सानिध्य में सरल हृदय से, श्रद्धा के साथ जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, तो वास्तव में कृष्ण की अनुभूति करते हैं। वो आनंद इतना गहरा आनंद है कि फिर कोई भी भौतिक वस्तु उस भक्त को आकर्षित नहीं कर सकती। तस्योऽस्य शोच्यान् अविदो नु शोचे हरे तकथायां विमुखा नघेन शृणोति देवो निमिषस्तु येषां
आयुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। शालिनी माता जी पढ़िए। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फल स्वरूप महाभारत भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। दयनीय द्वारा भी दया का पात्र, मतलब जैसे मानो दो भिखारी बैठे हैं। एक भिखारी को शाम तक 100 रुपए की भीख मिली, दूसरे भिखारी को 1 भी रुपया नहीं मिला। यद्यपि दोनों भिखारी हैं, पर जिसको 100 रुपए की भीख मिली वो भी 10 रुपए उठा के दूसरे को दे देगा, जा तेरा कुछ नहीं मिला, 10 रुपए मेरे से लेके। तो भिखारी भी जिसको भीख दे, मतलब कितनी दयनीय स्थिति है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया, जो लोग अपने पाप कर्मों में इतने आसक्त हैं कि कृष्ण कथा के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ी नहीं रही है, आई नहीं रही है, तो दयनीय लोग भी उनके ऊपर दया के पात्र करते हैं कि अरे ये व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, इसको तो मेरे को मदद करना चाहिए। यद्यपि मैं भी भौतिक संसार में हूँ, लेकिन इसकी तो थोड़ी भी रुचि भगवत कथा में नहीं है, तो मुझे इसकी मदद करना चाहिए। तो विदुर बोल रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति, विदुर स्वयं को भी पतित बता रहे हैं, कि मुझे तक ऐसे लोगों पे दया आ रही है जिनको कृष्ण कथा के प्रति आसक्ति नहीं है, और जो अलग अलग दार्शनिक चिंतन, अलग अलग कर्मकांड इत्यादियों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के प्रति तो मुझे भी दया आ रही है। जो कृष्ण कथा अमृत का भंडार है, उसके लिए क्यों इनके अंदर रुचि नहीं है? राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य तथा भगवान के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व के विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व को औपचारिक आपूर्तिकर्ता के पद पर मानते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी होते हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग परब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं। वे भौतिक सतोगुण के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा सुनना या कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ है, अर्थात भगवान की भक्ति है, जो जीवन का असली मिशन है। क्योंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतएव उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र है। दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोगों तथा विभिन्न वादों एवं जीवन के लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है 3 स्तर के लोग, 3 गुणों के प्रभाव में 3 स्तर के लोग बताए जा रहे हैं। पहला स्तर जो तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित है, ऐसे लोग भगवान को या तो मानते ही नहीं है, या मानते भी हैं तो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि हाँ कोई ऊपर बैठा है उसको हम अगर पूजेंगे तो हमको हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा इत्यादि इत्यादि। उसके बाद आता है सतोगुण का स्तर, जहाँ भगवान की अभिव्यक्ति निराकार रूप में मानी जाती है, कि भगवान निराकार है। वो लोग भी भागवत कथा करते हैं, वो लोग भी भागवत सुनते हैं, लेकिन उनको उनका धारणा क्या है कि ये कृष्ण कथा सुनना प्रारंभिक आध्यात्मिक स्तर के लिए ठीक है, जब हम उन्नत बन जाएंगे तो हम तो खुद ही भगवान बन जाएंगे, तो फिर हमको कथा सुनने की आवश्यकता नहीं। तो ये सतोगुणी लोगों का मुश्किल है कि वो निराकारवाद में फंस जाते हैं। लेकिन सबसे उत्तम है शुद्ध भक्त, जो 3 गुणों से मुक्त होते हैं, वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में मानते हैं, उनकी कथा को दिव्य मानते हैं,
और उनकी कथा नाम गुण रूप लीला इत्यादि का आश्रय लेकर के भक्ति का अनुसरण करते हैं। तो यद्यपि निराकारवादी भौतिकवादियों के ऊपर तरस खाते हैं, लेकिन भक्त दोनों के ऊपर ही तरस खाता है, चाहे भौतिकवादी हो चाहे निराकारवादी हो, क्योंकि दोनों को ही भौतिक जंजाल से मुक्ति नहीं मिली है। और भक्त हमेशा भगवान के आश्रय में, उनकी कथा नाम इत्यादि के माध्यम से हमेशा उनके आश्रय में। बहुत सुंदर रूप से विदुर के प्रश्न पढ़ रहे हैं हम लोग, कल इसके आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। यस ईशान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। मेरा ये प्रश्न था कि अभी हम देख रहे थे कि विदुर जी बता रहे हैं कि मैं खुद तरस खाता हूँ ऐसे व्यक्तियों पे जो तमोगुण में हैं, जो कर्म कांड आदि में फंसे हुए हैं। परंतु हम देखते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो ज्योतिष में पारंगत थे, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत पे भी टीका लिखा है, तो ऐसे भागवत जो भक्त है वो ज्योतिष रह चुके हैं और कर्मकांडी ज्योतिष, इनमें हम भेद कैसे कर सकते हैं, इनका मकसद में भेद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि करते तो ये भी वही है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म देख लेंगे ऐसा, तो इसमें हम भेद कैसे कर सकते हैं? आपके प्रश्न से मुझे समझ में आ रहा है कि आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जीवन ठीक से पता नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रकांड पंडित थे ज्योतिष के, उन्होंने वो विद्या छोड़ करके गौर किशोरदास बाबाजी महाराज को समर्पण किया। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने उनको बोला, हरि नाम करो, हरि नाम का आश्रय लो। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं, वो निमाई पंडित के नाम से विख्यात थे और कितने बड़े बड़े केशव कश्मीरी इत्यादि को उन्होंने अपने वाद विवाद में पराजित किया था। लेकिन जब ईश्वरपुरी से मिले, ईश्वरपुरी बोले, तुम मूर्ख हो, तुमको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं, तुम हरि नाम करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना पूरा न्याय शास्त्र व्याकरण इत्यादि सब छोड़ दिया। तो उन्होंने अपने जीवन से सिखाया है कि हम उस चीज में थे और हमने गुरु का आश्रय प्राप्त करके छोड़ा है। तो कोई व्यक्ति छोटी नौकरी छोड़कर तो बड़ी नौकरी लेता है। आचार्य लोगों ने अपने उदाहरण से सिखाया है कि कर्म कांड छोड़ो, न्याय शास्त्र छोड़ो, ज्योतिष इत्यादि छोड़ो, भगवान का आश्रय लो। अब हम उसको ठीक प्रकार से समझना है कि कैसे उन लोगों ने यही आदर्श भागवत का अपना करके हम लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। ना कि हम ये बोलें कि नहीं, निमाई पंडित तो व्याकरण पढ़ते थे तो हम भी व्याकरण पढ़ेंगे। नहीं, उन्होंने वो आदर्श दिखाया है कि देखो, मैं इतना प्रकांड पंडित था फिर भी मैंने गुरु का आश्रय लेके सब छोड़ दिया, हरे कृष्ण महामंत्र और भागवत का आश्रय। तो ये उदाहरण उनके जीवन से सीखना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भाव भाव और श्रद्धा में क्या डिफरेंस हो सकता भाव और श्रद्धा में बहुत डिफरेंस है। श्रद्धा है? जी वही। से भक्ति शुरू होती है, आदौ श्रद्धा, श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत होती है। वास्तव में भक्ति की शुरुआत महत सेवा से होती है, भक्ति की सेवा से होती है, लेकिन भक्तों की सेवा में भक्त श्रद्धा प्राप्त करते शास्त्र में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, हरि नाम में श्रद्धा, अर्चा विग्रह में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, भक्ति के पथ पर श्रद्धा इत्यादि। ये श्रद्धा जब प्रकार और बढ़ती है तो वो भक्तों का संग और ज्यादा करता है, फिर नवदा भक्ति में संलग्न होता है, धीरे धीरे उसके अनर्थ शुद्ध होते हैं, उसकी भक्ति निष्ठावान होती है। उस निष्ठा के बाद उसको भाव स्तर धीरे धीरे आता है। तो ये प्रेम के पहले का स्तर है भाव। प्रेम जे मानो अगर पूरा प्रफुल्लित पुष्प है तो भाव उसकी कली है। तो जैसे कली से पुष्प आता है, भाव से प्रेम का उदय होता है। तो ये जब पूर्ण रूप से भक्त अपराध शून्य हो जाता है, उसके अनर्थ पूरे साफ हो जाते हैं, प्रेम को प्राप्त करने के लिए पूरा तैयार हो जाता है, तब उसको भाव मिलता है। तो इसीलिए भाव बड़ा ही उच्च स्तर है। जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं, भरत महाराज भाव स्तर पर थे, प्रेम के ठीक पहले थे, लेकिन भाव स्तर में फिर आसक्ति में पड़ गए तो फिर हिरण के प्रति आसक्त होकर के अगले जन्म उनको हिरण का। तो भाव बड़ा उच्च स्तर है, लेकिन श्रद्धा, श्रद्धा का स्तर बड़ा ही सामान्य स्तर होता है, जहां पर भक्ति की शुरुआत भक्त करे। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा मतलब
जब भक्त ये निश्चय कर लेता है कि अब मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति करने से ही मैं सारे कार्यों को पूर्ण कर लूंगा, वहां से श्रद्धा की शुरुआत। ठीक है जगदीशानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट क्लेरिफिकेशन चाह रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो 4 साल की एज में ही भक्ति के मार्ग पे आ गए थे, तो फिर वो ब्राह्मण वाला सिद्धांत जो बता रहे थे आप, कैसे समझे? देखिए आचार्य लोगों के जीवन में जो कुछ होता है हमको सिखाने के लिए होता है, वो तो परम नित्य सिद्ध है। 4 साल की उम्र में मतलब छोटे जी मतलब जन्म से ही नित्य सिद्ध है, लेकिन फिर उन्होंने ये लीला करके बताया, क्योंकि अगर भक्तों के जीवन में इस तरह उदाहरण नहीं होंगे ना, तो ये तर्कवादी लोग क्या बोलेंगे, अरे भक्ति तो भावुक लोगों के लिए है, आपने सूर्य सिद्धांत पढ़ा ही नहीं है तो आपको क्या मालूम, आपने वेद पढ़े ही नहीं है तो आपको क्या मालूम, आपने न्याय शास्त्र व्याकरण पढ़ा ही नहीं है तो आपको क्या मालूम, ऐसा तर्क लोग देंगे। तो आचार्य लोग वो स्थान में जाकर भी ये सिद्ध करते हैं कि देखो हम न्याय जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, सिद्धांत जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वास्तु जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम लोग ये भी जानते हैं कि कृष्ण भक्ति से बड़ा ये कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार आचार्य लोग सिद्धांत हमारे लिए स्थापित करते हैं कि हमें वो मेहनत ना करना पड़े। जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए तो उनको किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद आपने एलएसडी ड्रग्स लिया है क्या, जो आप बोल रहे हैं एलएसडी बेकार है। प्रभुपाद बोले मैंने नहीं लिया है, लेकिन मेरे शिष्यों ने तो लिया था, उन्होंने ये छोड़ के कृष्ण भक्ति अपनाई है, मतलब एलएसडी से बड़ा नशा है कृष्ण भक्ति। मान लो प्रभुपाद वैसा बोलते ही नहीं तो लोग तो यही बोलते हैं ना कि अरे स्वामी जी को क्या पता, नशा वशा करा नहीं इसलिए बोल रहे हैं भक्ति बड़ी है। इसीलिए आचार्य लोग ऐसे उदाहरण भी कुछ अपने पास रखते हैं कि देखो ये काम करके भी हमने देख लिया, लेकिन इससे बड़ी कृष्ण भक्ति। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने उदाहरण से, चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से ये आदर्शों को सिखाया। थैंक यू वेरी मच। प्रभु युगल प्रिय माता जी। जी हमारा एक क्वेश्चन था कि जैसे जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी कर्म कांड में आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कर्मकांड होता है। वेदों में जो कर्मों का उल्लेख हुआ है, देवी देवताओं की पूजा इत्यादि, जिससे भौतिक लाभ मिलता है उसको कर्मकांड बोलते हैं। यदि आप भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान शिव आप शुद्ध वैष्णव हैं हमको कृष्ण भक्ति दीजिए, तो फिर वो कर्मकांड नहीं। लेकिन अगर आप देवी देवताओं के पास जाकर के उनसे भौतिक वस्तुएं मांग रहे हैं, उनको भगवान से स्वतंत्र मान रहे हैं, तो फिर वो कर्मकांड। ठीक है उमा प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा हरे कृष्ण। क्वेश्चन है कि जीव 3 गुणों से परे कैसे जा सकता है? यही तो विदुर ने बताया, कृष्ण कथा का श्रवण करें। विदुर वही चीज बोल रहे हैं, 3 गुणों से परे जाने का एकमात्र उपाय है कृष्ण कथा का श्रवण करना। और कैसे करना? निरंतर करना, नियमबद्ध रूप से करना। ये कृष्ण कथा वही मेडिसिन है जिसको लेते लेते धीरे 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 3 गुणों का प्रभाव चला जाए। भागवत में ही बताया है कि भागवतेर कथा ए कृष्ण अवतार धीर होइया सुनी जदी काने बार बार। ये कृष्ण कथा भगवान का अवतार है, तो इसको धीर होकर के बार बार सुनना है। इसको सुनते 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 रजस तमस के सारे प्रभाव, 3 गुणों के प्रभाव से भक्त मुक्त हो जाए। ठीक है ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे चंद्रशेखर प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आज आपने हमने इसके अंदर सुना कि जब भी किसी को इनिशिएट करना है, अगर जैसे मान लीजिए नर्सरी क्लास है, तो वो महाभारत सुनेंगे तो उनका उनकी रुचि बढ़ेगी और उनकी श्रद्धा बढ़ेगी। तो प्रभु जी, क्या ये कथा उसी लिए रचित है या ये वास्तविक हुआ है? क्योंकि प्रभु जी, अगर हम देखते भी ये कथा के अंदर, जैसे धृतराष्ट्र हो गया, दुर्योधन हुआ, प्रभु जी जैसे बड़े से बड़े विलन का नाम भी, जैसे मेरा नाम था चंद्रशेखर है प्रभु जी, तो ये अब जैसे नाम हम देखते हैं प्रभु जी, तो वास्तव में किसी के नाम ऐसे कैसे हो सकते हैं? देखिए ये जो महाभारत उसका नाम था सुयोधन, दुर्योधन का नाम था सुयोधन, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे उसका नाम पड़ गया दुर्योधन। तो जैसे ये नाम जो है पहले वैदिक सभ्यता में गुणों के आधार पर नाम रखे जाते थे, तो और उसमें उनको मजा भी आता था। जैसे रावण, रावण का अर्थ है जिसको देख करके रोना आ जाए, तो
रावण को अच्छा भी लगता था, हाँ ये मेरा नाम देखो कितना अच्छा है कि लोग मेरे को देख करके रोना आ जाए, तो उनको अच्छा लगता था। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को बुलाते थे कि असुर वर देहि नाम, असुरों में श्रेष्ठ। अभी आप किसी भक्त को बोलेंगे असुरों में श्रेष्ठ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हिरण्यकश्यप को अच्छा लगता था कि हाँ मैं असुरों में श्रेष्ठ हूँ। सही बात तो है, ये जो नाम है काल्पनिक नाम नहीं है, ये नाम जो है वास्तव में गुणों के आधार पर वैदिक सभ्यता में नाम होते थे। अब बात रही महाभारत की, तो हाँ ये ग्रंथ लिखा ही इसलिए, प्रथम स्कंद में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ग्रंथ लिखा ही इसलिए है कि द्विज बंधु जो लोग बड़े उच्च कुल में जन्म तो लिए हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप में अग्रसर नहीं है, स्त्री शूद्र इत्यादि जिनका आध्यात्मिक रुझान नहीं है, इन शॉर्ट उनको आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने के लिए एक टेक्निक है। जैसे कभी बच्चों को, छोटे बच्चों को कार्टून देखना पसंद है तो हम लिटिल कृष्णा दिखाते हैं, ठीक है भागवत तो ये लोग सुनेंगे नहीं, लिटिल कृष्णा देखेंगे। तो कार्टून के माध्यम से भगवत लीला उनके अंदर जा रही है, इसी प्रकार ये महाभारत ग्रंथ व्यास व्यास देव ने उनके लिए लिखा है जो आध्यात्मिक रूप से अन्यथा अग्रसर नहीं होते। ओके ब्यूटीफुल, थैंक यू, धन्यवाद, हरे कृष्ण। मणि माता जी, कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। थोड़ा सा एक समस्या ऐसी है प्रभु जी कि जैसे जैसे हम लोग कृष्ण कथा पढ़ते हैं, 16 माला करने लगे हैं, जैसे कि आध्यात्मिकता में थोड़ी सी रुचि बढ़ रही है, तो हम जिस फील्ड में, जैसे भौतिकता में मान के चलिए हम स्कूल में पढ़ाते हैं, पहले हम बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, सब करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें रुझान कम होने लगा है, तो डे बाई डे एक थोड़ा सा लोग अपमान सा भी करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो मन में बड़ी खेद होती है प्रभु जी, तो देखो इसके इसको लिए दो दो तरह से इसको देखना है। पहली बात तो भगवान ने कभी नहीं बोला कि अपने कर्मों को कम करो, जैसे मैं कल भी बता रहा था भगवान गीता में बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन मुझे स्मरण करके युद्ध करो। तो अपना कार्य हमको बेस्ट तरीके से करना है, क्योंकि भक्त मतलब है ऑलराउंडर, तो अपना काम बेस्ट तरीके से करेगा। देखो आसक्ति नहीं रहना का मतलब ये नहीं कि हम काम बेकार तरीके से करें, ऐसा नहीं है। चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण है, चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन। रूप और सनातन गोस्वामी मुगल शासक के अधीनस्थ वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे, तो उनका मन नहीं लगता था काम करने में, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस तरह पत्र लिखा। चैतन्य महाप्रभु ने उनको उत्तर में एक उदाहरण लिखा, उन्होंने उदाहरण लिखा कि जैसे एक स्त्री, अगर विवाहित स्त्री किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है तो वो घर के काम और भी अच्छे तरीके से करती है जिससे उसके पति को उसके ऊपर शक ना हो। तो ये उदाहरण का मतलब क्या है, यद्यपि हमें संसार में पति पत्नी अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे असली पति कौन है, कृष्ण है, तो हमारा उनसे प्रेम है, लेकिन हम अपने काम जो भौतिक संसार के काम है उनको और अच्छे से करेंगे जिससे दूसरे हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम में व्यवधान ना बने, बाधक ना बने, इसीलिए हमारे कामों को हमको बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब रही बात आसक्ति कम होने की, तो ये तो अच्छा लक्षण है, धीरे 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 आसक्ति को कम भी करना है। पूरा जीवन तो हमको भौतिक संसार में नहीं रहना है, हमारा गृहस्थ आश्रम कुछ समय तक रहना चाहिए, पूरा परमानेंट नहीं रहना चाहिए, तो कुछ समय बाद फिर भगवत भक्ति में पूर्णता लगने के लिए ये आसक्ति कम होना भी जरूरी है, लेकिन जब तक ये नौकरी है तब तक उसको बहुत अच्छे से करना, यह भक्त का कर्तव्य भी होता है। ठीक है राजीव प्रभु, प्रभु जी, जैसे कोई थोड़ा सा अपमान सा कर देता है या कुछ बोल देता है कि हमसे हमारा कोई काम थोड़ा सा कम हो गया है, ऐसे मान उसको लीजिए कैसे? आप रास्ते में चल रहे हैं और दो कुत्ते आपके ऊपर भौंक रहे हैं, आप कितना सीरियसली उसको लेंगे? आपको पता पड़ गया हमें कृष्ण भक्ति करना है, उन लोगों को पता नहीं है कृष्ण भक्ति क्या है, तो उनका बोलने का हमारे ऊपर क्या असर पड़ना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को उसके ऊपर समय नष्ट नहीं करना चाहिए, उनको बोलने दो जो बोलना चाहते हैं, हमें हमारा उद्देश्य पता है, हम भागवत की बात मानेंगे कि उनकी बात मानेंगे, इसीलिए उन लोगों की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और दूसरी एक खुशखबरी है, गुड न्यूज, जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारे बुरे कर्म कटते हैं, तो खुश होना चाहिए कि चलो ये हमारा अपमान किया है, पुराने कर्म हमारे कट गए, हम जल्दी जल्दी भगवत धाम जाएंगे, तो और खुश हो जाना चाहिए कि और हमारा अपमान करो जिससे हम जल्दी जल्दी भगवत धाम जाए। जी जी ठीक है
हरे कृष्ण प्रभु राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मैंने पढ़ा था और सुना भी है कि जो श्रीमद् भागवतम है ये कौन सा सूत्र है, उसकी टीका है जी ये। और जैसे कि हम उसका पढ़ भी रहे, विधान सूत्र की टीका है। हाँ हाँ, जिसका पहला उन्होंने श्लोक भी कल हम जिसमें आया था प्रबोध में कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका पहला श्लोक है। तो रुड़ी, जो वेदांत वेदांत सूत्र है ये क्या पूरा ग्रंथ है क्या रुड़ी, और कितने श्लोक होंगे लगभग उसमें? और फिर अगर कुछ ही वेदांत कुछ ही श्लोक है तो उसकी इतनी भी टीका कैसे हो सकती है, मतलब तो पूरा इतना बड़ा। ये पूरा ग्रंथ है। देखिए, वेद वेदों को सूत्र रूप में लिखा गया, उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र। जैसे मैथमेटिक्स की किताब होती है, आप तो स्वयं टीचर हैं, मैथमेटिक्स की जो किताब होती है उसमें उदाहरण भी हैं, उसमें थ्योरी भी है, उसमें फॉर्मूले भी है, राइट, उसमें डेरिवेशन भी है। लेकिन अगर एक छोटी किताब निकाली जाए जिसमें केवल फॉर्मूले फॉर्मूले हैं, तो वो केवल किसके लिए होंगे? जिसको मैथ्स का अच्छा ज्ञान है, जिसने पढ़ा है बड़ी किताब, वही सूत्र को समझ पाए। तो वेदांत सूत्र क्या है? केवल फॉर्मूलेज है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादियस्यता इत्यादि। लेकिन अब हर कोई तो फॉर्मूला किताब सुन के नहीं समझ पाएगा, हमको उदाहरण भी चाहिए, डेरिवेशन भी चाहिए, एग्जाम्पल भी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत उस वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है कि कैसे उन सूत्रों के आधार पर भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, भक्तों का पालन करते हैं, भक्तों का पोषण करते हैं इत्यादि। इसलिए वेदांत सूत्र समझना आसान नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम बच्चा भी समझ सकता है। तो ये अंतर है वेदांत सूत्र में भागवत, दोनों का उद्देश्य कृष्ण है, लेकिन एक है सूत्र रूप में, एक है एग्जाम्पल के साथ, कथा के साथ। ठीक है, और वो वेदांत सूत्र भी प्रभु जी व्यासदेव ने ही लिखा था वो हाँ, व्यासदेव वेदांत। ने वेदांत सूत्र लिखा है, अवेलेबल है, इस्कॉन में वेदांत सूत्र की किताब भी मिलती है, लेकिन जरूरत नहीं है, श्रीमद् भागवत पूर्ण है, उसके अंदर सब कुछ। ठीक है, हरे कृष्णा बिल्कुल। तो आज यहीं तक रखेंगे, दो प्रश्न और हैं, मैं कल दूंगा, अभी गुरु पूजा का समय हो रहा है। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय, समवेत जय, गौर प्रणाम।